कानून वापस लो वरना हम स्टेरिंग छोड़ देंगे। जी हाँ, इसी तरह का आंदोलन कल से गुलबर्गा में स्टार्ट होने वाला है। वाहन चालक मालक सामाजिक संघ के मेंबर्स ने इस आंदोलन को छेड़ दिया है। कानून वापस लेना होगा वरना हम सारे ड्राइवर्स स्टेरिंग छोड़ देंगे। वाहन चालक मालक सामाजिक संघ के प्रेसिडेंट समी बेग, उनके तरफ से आज एक प्रेस मीट की गई और उन्होंने इस प्रेस मीट में बताया कि आने वाले कल यानी कि 9 जनवरी को इनके संघ के तरफ से एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है, यानी कि स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन का ये लोग आगाज कर रहे हैं, जिसमें ये लोग हर एक ड्राइवर को, हर एक लॉरी चलाने वाले को, टैक्सी चलाने वाले को, जो भी ड्राइवर्स हैं उन सबको स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन ये लोग करने वाले हैं पूरे गुलबर्गा भर में, रिंग रोड के अतराफ में। साथ ही साथ उनसे रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून पास किया था जिसमें अगर ड्राइवर के हाथों गाड़ी चलाते वक्त किसी की भी जान चले जाती है तो उसे 10 साल की सजा होने वाली है। इसी के बीच इसी कानून को वापस लेने का ये लोग मुतालबा कर रहे हैं और ये एक पीसफुली तरीके से हम इस चीज को, समी बेग जो इसके प्रेसिडेंट है, इसमें वो कह रहे हैं कि वो इस स्ट्राइक को पीसफुली करने वाले हैं, यानी कि वो हर एक ड्राइवर से मिलेंगे, रोकेंगे और उनको समझाएंगे, समझाकर हमारे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने की गुजारिश करेंगे। और भी काफी सारी चीजें समी बेग ने कही हैं, आइए देखते और सुनते हैं समी बेग का इस पर क्या कहना है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है भाई, कल जो हमारा वाहन चालक मालक सामाजिक संघ कार्य क्षेत्र भारत, जो हमारा यूनियन है, वो यूनियन की तरफ से डिक्लेयर किया गया है कि स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन चालू करना है कल से। कल से हम पूरे तमाम गाड़ी वाले जो ड्राइवर्स भाई हैं, पूरे कल रात में 11 बजे से स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन चालू कर रहे हैं। कोई भी गाड़ी रोड पर निकालना नहीं है और कोई भी गाड़ी चलाना नहीं है। आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है, आप भी हमारा सब मिलकर साथ दें। क्या स्ट्राइक रहेगा, प्रोटेस्ट रहेगा क्या? ये हमारा स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन है। हाँ, ये स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन है। हम किसी को चाबी निकाल लेने वाले नहीं है, किसी को तकलीफ देने वाले नहीं है। हम हमारी तरफ से रिक्वेस्टली समझा कर बोलने वाले हैं कि भाई आने वाले दिनों में खुद भी परेशान होता, तेरे घर वाले भी परेशान होते हैं, ये चीज मत कर। सो हमारा हमारा साथ दे, तब तक साथ दे तब तक ये बिल वापिस ना हो। ये बिल वापिस लेने के लिए हम ये कोशिश इंशाल्लाह, कल जो टैंकर्स वाले हैं उनसे कल बात होने वाली है हमारी। 450 टैंकर ड्राइवर्स हैं, उनसे भी बात करने वाले हैं। और ऑटो वाले जो भी हैं, कार वाले, ऑटो वाले, टैंकर वाले, लॉरी ड्राइवर्स, पूरा से बात हो गई। सो है सिर्फ टैंकर वालों से बात होना है, लॉरी वालों से हो गई सो है बात नहीं, ऑटो वालों से अभी नहीं, ऑटो वालों से करना है बात। हाँ, तो कंटिन्यू कब तक रहेगा ये? जब तक रहेगा, हम ये जो बिल पास किए हैं ये बिल तब तक वापस नहीं होता तब तक चालू रहेगा ये। कि हम जो ड्राइवर्स को रुका रहे हैं उनको हम खाने का इंतजाम कर रहे हैं, जिसको भी समझा कर हम जो रुका रहे हैं हमारा साथ देने के लिए, जिसको भी रुका रहे हैं उनको हम खाने का इंतजाम हम हमारी तरफ से कर रहे हैं, हमारी यूनियन की तरफ से, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, अब जो भी गरीब ड्राइवर्स हैं जिसका घर डेली का डेली कमाने पर जो चलता है, वो कहीं भी दूसरा काम धंधा देख लेना। हाँ, अगर कुछ कुछ ड्राइवर्स बंद नहीं करे तो आपके जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती किसी से नहीं है, ये हमारा जो यूनियन है, हमारे यूनियन की तरफ से ये हमारा जो आंदोलन है स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन, इसमें सिर्फ हम रिक्वेस्टली बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, समझा कर ही बोलेंगे कि ये स्टेयरिंग आंदोलन के साथ हमारा साथ दो ये बिल कैंसिल होने तक। ये आंदोलन में क्या डिमांड रहेंगे आपसे, गवर्नमेंट से? सेंट्रल कुछ नहीं, वो जो 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल सजा जो बिल पास किए हैं एक्सीडेंट पे, वो बिल कैंसिल होना चाहिए। सबसे पहले वो बिल कैंसिल होना चाहिए। जब तक आप ये स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन कंटिन्यू रहेंगे, इंशाल्लाह हम कंटिन्यू चालू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हम यहाँ पर ये बाइट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो अमित शाह जो कानून लागू किया है, जो ड्राइवर्स के लिए 10 साल जेल, 7 लाख रुपए जुर्माना,
वो यहाँ पर जो है ना ड्राइवर्स के लिए बहुत तकलीफ दे रहा है। सिर्फ ड्राइवर्स ही नहीं, गाड़ी चलाने वाला मालक, चाहे वो एक गाड़ी का हो या 10 गाड़ी का हो, वो जब स्टेयरिंग पे बैठता है वो भी ड्राइवर ही होता है। उसके लिए भी लागू है कानून, 2-व्हीलर, ऑटो, 4-व्हीलर, तुम्हारे ट्रक, बस, गवर्नमेंट बस ड्राइवर, प्राइवेट बस ड्राइवर्स, हर किसी के लिए कानून लागू है। इसलिए हम लोग ये स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन चालू कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये वापस नहीं लेता, हम जब तक इंशाल्लाह जब तक चालू रखेंगे ये आंदोलन, हम इसमें किसी का जोर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को मना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, बोलेंगे, क्योंकि ये एक बार का है। अगर ये कानून लागू हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते बाद में। कानून लागू होने से पहले हम लोग को ये कोशिश करना है कि ये कानून लागू ना हो। अगर इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो हम लोग इसमें कामयाबी हासिल होंगी। सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे जो हगरा क्रॉस या गुलबर्गा टैक्सी यूनियन है, उसके थ्रू हम लोग जो है ना ये आंदोलन चालू कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, मगर जो भी हमारा साथ देना चाह रहा है वो आ सकता है। ऑटो वाले रहेंगे, ट्रक वाले रहेंगे, बस ड्राइवर रहेंगे, जो भी इसका हिस्सा बनना चाह रहा है बन सकता है। इसमें किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ बिल्कुल, रोड पे ठहरेंगे, हर चौराहे पे ठहरेंगे, सब लोग को समझाएंगे क्या है ये। ड्राइवर्स बोले तो सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, जो गाड़ी का ओनर भी है उन भी एक ड्राइवर ही है। जो इसके पास 10 गाड़ी हो, 1 गाड़ी हो, 50 गाड़ी हो, जो स्टेयरिंग पे बैठा तो उसके लिए भी कानून है। जो DL होल्डर है उसके लिए लागू हो गया ये कानून, चाहे वो हादसा गलती से हों दे, कुछ भी हों दे, और कोई एक्सीडेंट होना बोल के नहीं करता, उसकी वजह से ये कानून गलत कानून निकाला है, उस वजह से हम लोग ये आंदोलन चालू कर रहे हैं। हमारे साथ कल से कल मालूम हो जाएगा, हम सबसे बात करें, हमारे जो समीप एक साहब हैं उन्होंने बात किए हुए हैं, और जो ये टैक्सी यूनियन स्टेट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी बात किए हैं। इंशाल्लाह कल मालूम हो जाएगा कौन कौन है। सब लोग मिलकर ही हम लोग ये आंदोलन चालू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ने, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक स्टेट, हर कोई प्रेसिडेंट है हमारे टैक्सी यूनियन के, उन लोग सब लोग मिल के जो है ना ये आंदोलन चालू कर रहे हैं। स्टेयरिंग पे महाराष्ट्र में भी चालू हो गया है ये, अभी हम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से हम लोग हैं, तो यहाँ से कल से चालू हो जा रहा है। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई भी हमारे साथ हिस्सा देना चाह रहा है, अपना ज्वाइन होना चाह रहा है, तो कभी भी वेलकम है। ये हमारे समीप हमारे जो बोले हैं कंडीशन करे हैं, इंशाल्लाह वो कंडीशन पे हम कायम रहेंगे, और हम कंटिन्यू जो ड्राइवर के वास्ते जो नया कानून निकाले सो है, ऑटो ड्राइवर हो या टैक्सी का हो या टाटा एसी का हो या टैंकर के हो, ये उनके वास्ते सबके वास्ते कानून लागू हुआ सो है। इंशाल्लाह हम ये कल से आंदोलन चालू रखेंगे। हमारा सबसे रिक्वेस्ट है, सब जने हमारा साथ दियो, बस हम साथ कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये कानून वापिस लिए तक।